सबसे पहले बात माननीय विधायक जी की, जो नेता तो हैं, विधायक तो हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी सुनते नहीं, उनका मान नहीं रखते, और इसी से वो आ गए तैश में। तो विधायक जी इस्तीफा देने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। सागर जिले के देवी से बीजेपी विधायक ने ऐसा ही किया है। उधर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के आगे विधायक जी बेबस, सुनवाई नहीं हुई तो झलका दर्द, तैश में इस्तीफा लिखा और भेज दिया। ऐसे विधायकी मुझे नहीं करनी। बीजेपी के विधायकों की पुलिस नहीं सुनती है, अब विधायकों का गुस्सा फूटने लगा है। सागर के देवरी से बीजेपी विधायक बृजबिहारी पटेरिया एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए थाने में धरने पर बैठ गए। जब पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो तैश में आकर विधायक जी ने इस्तीफा लिखा और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। इस्तीफे में बृजबिहारी पटेरिया ने लिखा, ऐसे विधायकी नहीं करनी। पीड़ित पक्ष के साथ केसली थाने आया था, पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आहत हूँ, व्यथित हूँ, इसीलिए विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब इसी पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। उधर बीजेपी का कहना है कि पार्टी लोगों को न्याय दिलाने में विश्वास रखती है। तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक स्थिर सरकार चले। किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा पर क्षण भर का आक्रोश था और कार्यकर्ता को न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी है और विधायकों की भी पूरा मान सम्मान और तवज्जो दी जाती है। जब सियासत गर्माई तो पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने मोर्चा संभाला। गोपाल भार्गव ने विधायक से बात की और उनको समझाया, ये कोई पहली बार नहीं है जब अफसरशाही के सामने माननीय बेबस नजर आए हों। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात पाकिस्तान से आए धमकी वाले कॉल की। मंडला में महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। आत्मानंद गिरी को पाकिस्तान से फोन पर धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दी और कहा कि मेरी जान को खतरा है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से एक बार, दो बार, तीन बार कॉल आती है, बराबर धमकी दी जाती है कि महाराज बकबोर्ड पर बोलना बंद कर दें, राष्ट्र पर बोलना बंद कर दें, नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर जाएंगे। 10 बजे के आसपास एक पाकिस्तानी नंबर +92 से स्टार्ट होने वाले नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। याद होगा आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और अब आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी सनातनियों को एकजुट करने के लिए ऐसा ही कुछ कहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आने वाले 25 सालों बाद हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। उन्होंने ये कहा कि देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि गंभीरता के साथ विचार करें। पहले योगी, अब विजयवर्गीय का धर्मशास्त्र। योगी ने चेताया, विजयवर्गीय ने फिर बताया, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन धर्म के साथ चलें, योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस पर निशाना, धर्म का बहाना, क्या सियासत है चमकाना। और इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, विचारें गंभीरता के साथ।
सनातन को लेकर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेताया था और अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी यही संदेश दिया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि आने वाले 25 साल बाद नई पीढ़ी को खतरा। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब सनातन को लेकर चिंता जताई जा रही है। फिलहाल एमपी की सियासत फिर से गर्मा गई है, सनातन को लेकर तकरार शुरू हो गई है। जिस प्रकार देश की ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और लखनऊ की सड़कों पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर 2 घंटे तक जमकर हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को JPNIC जाने से रोके जाने पर अखिलेश यादव ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को सड़क पर ले जाकर माल्यार्पण कर दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा था कि वे जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर जाकर माल्यार्पण जरूर करेंगे। जेपी की जयंती को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए, कहा कि JPNIC को बेचने की साजिश हो रही है। साथ ही अखिलेश ने नीतीश कुमार से मांग की कि वो केंद्र सरकार से समर्थन वापस लें। इन सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश यह है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। जेपी की जयंती पर लखनऊ में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जेपी ने आपातकाल का विरोध किया था और आज जेपी के सम्मान की बात करने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठी है। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि और वहां पे बैरिकेटिंग की गई, उनको आगे जाने से रोका जा रहा है, आखिर क्या वजह इसकी? देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के नाम पर देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं को और जो संवैधानिक अधिकार थे लोगों के, उसका हत्या कर रही थी, अपहरण कर रही थी, बंधक बना रही थी, उस वक्त जो है वो देश ने एक नई आज़ादी की जंग शुरू की थी और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उसमें सफलता भी मिली, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे जनसंघ रही हो, चाहे जितनी भी पार्टियां रही हो, सबने मिल करके जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस आज़ादी की दूसरी जंग में सफलता भी हासिल की। ये बात अलग है कि उस वक्त गैर कांग्रेसवाद का जो नारा जिन लोगों ने दिया था उनमें बहुत से लोग आज कांग्रेस की गोद में हैं। ड्रग्स केस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स की तस्करी के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी से जब पासपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है, टेलीग्राम पर करोड़ों की डील होती थी। आरोपियों के विदेश तक संपर्क थे। भोपाल के बगरोधा औद्योगिक क्षेत्र के बंद फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स मामले के बाद पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस की 6 टीमों ने बगरोधा पठार इलाके की फैक्ट्री में जांच की है। इंडस्ट्रीज उद्यमी संघ और MPIDC की संयुक्त दल की टीम ने अब तक 186 फैक्ट्रियों में लाइसेंस अनुमति चेक की है। वहीं कर्मचारी सहायकों औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण में लगे मजदूरों की जानकारी भी ली गई है। इसके साथ ही जमीन हस्तांतरण पेपर भी जांचे गए हैं। घटना के बाद अब बगरोधा फैक्ट्री इलाके में CCTV भी लगाए जाएंगे।
भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री मामले में हरीश आंजना का सहयोगी मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। प्रेमसुख पाटीदार ने जख्मी हालत में थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस प्रेमसुख की तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ से बचने के लिए प्रेमसुख ने खुद को गोली मार दी। फिलहाल आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भोपाल में 1,814 करोड़ के ड्रग्स को गुजरात ATS ने पकड़ा था। इसके साथ ही ड्रग्स फैक्ट्री का भी खुलासा किया था। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। ये प्रेमसुख पाटीदार व्यक्ति का नाम है जो कि जो है NCB एवं अन्य एजेंसी के केस में वांछित था, जिसकी सूचना मंदसौर पुलिस को दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों के पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इसे पूछताछ करके इसके साथीदारानों के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है मंदसौर पुलिस।